आपने याद फरमाया था, मैं माफ कीजिएगा, खुशी का ऐसा मौका था कि मैं उस वक्त हाजिर नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं कि जब घर में बादशाह बेगम कि जब घर में बेटी पैदा हो, पीरापुर के लोग कैसे जश्न मनाते हैं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मरहूम बीवी तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहीं तुम इतनी बड़ी खुशी में उसका गम तो नहीं भुला बैठे। उसे तो सादत नसीब हुई है, मेरी बीवी होने का और पीर खानदान की बहू होने का हक अदा किया है उसने, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त भी वो बहुत खुश होगी, जन्नत में। मैं तो अपने हाथों से उसकी गोद भराई करना चाह रही थी जैसा कि दस्तूर है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अब हम में मौजूद नहीं, मगर उसकी बेटी पीरापुर का मुस्तकबिल तो है। पीर खानदान की बच्चियों की पैदाइश के बाद बाकायदा तौर पे खानदान में खुशामदीद की रस्म मैं करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी मरहूमा बीवी की आखिरी रसूमात में भी शामिल होना चाहती थी, मगर तुमने तदफीन में बहुत जल्दबाजी कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बादशाह बेगम कि अचानक आप कैसे हवेली पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तुमने तो कहा था खून। बेशक खून एक ही है, मगर फुफो जान माजी गवाह है कि आपने आज तक पीरापुर की गद्दी के लिए एक कमजोर गद्दी नशीन चुना है। मेरे मरहूम वाले जैसे बहादुर और जुरतमंद इंसान पर आपने चचा शालम जैसा कमजोर और बुजदिल आदमी चुना, और अब उस गद्दी पर सिर्फ बादशाह बेगम की निगरानी। लगता है शाहजेब अब आपके काबू में नहीं रहा, या फिर बादशाह बेगम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रही है। माफ कीजिएगा, आपसे इस अहमकाना हरकत की तवक्को नहीं थी। Heh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